खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं आज की मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में आज की चार बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं और फिर डिटेल में इसे आपको समझाएंगे। आज की पहली खबर होगी, समझिए लॉरेंस से पप्पू को डर क्यों लगता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पप्पू यादव को धमकी दी गई है। 2025 में 225 के टारगेट को आपको समझाएंगे, क्योंकि आज ये बड़ा टारगेट सीएम नीतीश कुमार ने दिया है। किसके कहने पर आरजेडी के साथ गए थे सीएम नीतीश, ये भी आपको समझाएंगे, क्योंकि आज एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बातें कही। और समझिए क्या झारखंड में लागू होगी एनआरसी, इन सभी खबर को आपको दिखाएंगे। इसके अलावा और भी कई खबरें हैं और सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे पप्पू यादव की खबर। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। सांसद पप्पू यादव ने ही इस ऑडियो को जारी किया और धमकी के बाद पप्पू यादव ने आईजी से लेकर डीजीपी तक को कॉल किया। पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखकर अपनी सुरक्षा वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी करने की मांग भी की है। आप रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक नाम जो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया है वो है लॉरेंस बिश्नोई। अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है और धमकी का ऑडियो खुद पप्पू यादव ने जारी किया है। पहले आप धमकी वाला ऑडियो सुन लीजिए। कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया, कर बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। और उससे मतलब मेरे पॉलिटिक्स से जुड़े हैं नाम जाने, मेरे हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। पप्पू यादव को धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। उसने व्हाट्सएप के जरिए कॉल कर हत्या की धमकी दी है, जिस नंबर से धमकी भरा कॉल आया था वो एक बिजनेस अकाउंट है जिसका नंबर है +97150133877766। लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव ने डीजीपी आलोक राज को कॉल किया और डीजीपी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। इसके बाद डीजीपी आलोक राज ने पप्पू यादव को पूरे मामले की लिखित शिकायत पूर्णिया रेंज के आईजी राकेश राठी से करने को कहा। पप्पू यादव ने आईजी राकेश राठी को लिखित शिकायत भी दी है। यहां तक कि पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर भी लिखा है और अपनी वाई श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की मांग भी की है। फिलहाल आईजी के निर्देश पर पूर्णिया एसएसपी पूरे मामले की जांच में जुटे हैं और पप्पू यादव के पास से धमकी का ऑडियो क्लिप मंगवा कर उसकी जाँच कराई जा रही है। और वैसे उनको जो संकल्प हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो वाइपर सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिकॉर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से पप्पू यादव को धमकी क्यों दी गई और पप्पू यादव लॉरेंस गैंग की धमकी के बाद इतने चिंतित क्यों हैं, तो आपको बताते चलें कि जेल से गैंग चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का नेटवर्क भारत ही नहीं बल्कि कनाडा, जर्मनी, अमेरिका तक फैला है। लॉरेंस गैंग ने ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई, सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी पर गोली भी चलवाई और आरोप तो ये भी है कि सलमान खान का सपोर्ट करने की वजह से ही लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। तो लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद पप्पू यादव ने क्यों सुरक्षा की मांग की है, इसे समझने के लिए पहले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग, उसके काम करने के तरीके और बड़े कांड को समझना होगा। तो आइए उसको आपको बताते हैं। पंजाब का रहने वाला है लॉरेंस बिश्नोई और इसकी गिनती इस समय देश के सबसे बड़े गैंगस्टर में होती है। बिश्नोई 2016 से ही जेल में बंद है और वहीं से अपने गैंग को चला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर करीब 50 मामले में केस दर्ज हैं और माना जाता है कि लॉरेंस के गैंग में देश भर में करीब 700 शूटर हैं।
जिसमें 300 शूटर अकेले पंजाब के हैं और ये संख्या बताती है कि लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क कितना बड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैला हुआ है, जिसमें जर्मनी, कनाडा और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। लॉरेंस बिश्नोई के बड़े गुर्गे या कहें कि उसके गैंग के जो बड़े बदमाश हैं, वो भी उसका भाई अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराट जो विदेश में रहता है और रोहित गोदारा है। अब सवाल है कि जब लॉरेंस बिश्नोई 16 साल से जेल में बंद है, फिर गैंग कैसे चलाता है, तो आइए वो भी आपको बताते हैं। कई रिपोर्ट्स की माने तो लॉरेंस बिश्नोई VOIP के जरिए कॉल करता है, मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट से कॉल किया जाता है और ऐसी कॉल को ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल होता है। अब सबसे बड़ी बात, लॉरेंस गैंग ने कई बड़े अपराध भी किए हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई है, जिसकी वजह से लॉरेंस का खौफ हर तरफ देखा जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। यही नहीं, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के अपार्टमेंट गैलेक्सी पर भी गोली चलवाई थी और हाल ही में आपको याद होगा महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस गैंग का नाम ही सामने आ रहा है। चूंकि बाबा सिद्दीकी से सलमान खान की नजदीकी थी, माना यह जा रहा है कि इसकी वजह से ही उनकी हत्या की गई। पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बयान दिया था। हो सकता है कि इसी वजह से पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर ही करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अड़े मार्ग में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इसमें सीएम नीतीश कुमार ने 2025 में एनडीए के लिए 225 का टारगेट भी सेट कर दिया। सीएम ने एनडीए नेताओं से कहा कि लोगों के बीच सरकार के काम को बताएं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में फिलहाल हलचल है 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव की, लेकिन नीतीश कुमार जुट गए हैं 2025 के चुनाव की तैयारियों में। यही वजह है कि पटना में एनडीए की बड़ी बैठक हुई। सभी घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में सीएम नीतीश कुमार ने 2025 के लिए 225 सीट जीतने का लक्ष्य सेट कर दिया। 225 के इस बार पार जाना। मुख्यमंत्री आवास पर करीब 2 घंटे तक एनडीए का मंथन चला और इस मीटिंग में गिरिराज सिंह भी शामिल हुए, जो पिछले दिनों हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर चर्चा में थे, जिसके बाद जेडीयू और बीजेपी नेताओं में बयानबाजी भी हुई थी। लेकिन मीटिंग में 2025 के विधानसभा चुनाव में साफ किया गया कि अगले चुनाव में भी एनडीए नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगा और नीतीश ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वो अब रियल बिहार का जो एक टाइम आ गया, जो हम लोग बोलते हैं कि जो बिहार अब बड़ा छलांग लगाने वाला अगले 5 साल में। मीटिंग में नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, साथ ही नेताओं को निर्देश दिया कि वो मुस्लिमों को सरकार के काम बताएं और सचेत करें कि यदि RJD आया तो दंगा फसाद करेगा। एजेंडा विकास का है और विकास के एजेंडा में कहा कि अब कोई गुंडागर्दी भी नहीं करेगा, विकास भी होगा, नौकरी भी देंगे। मीटिंग में बिहार एनडीए के सभी सांसदों, विधायकों और प्रमुख नेताओं को बुलाया गया था और 2025 के लिए मिशन 225 का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। आपसी तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया। पंचायत से लेकर विधानसभा स्तर तक एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक होगी। एक साथ लोगों से संपर्क करेंगे और सभी स्तर पर मीटिंग होगी। मीटिंग में बीजेपी, जेडीयू, LJP, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता पहुंचे, लेकिन पशुपति पारस को बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं मिला था। खैर, इस बैठक ने ये साफ कर दिया है कि 2025 के लिए एनडीए का कुनबा तैयार है और टारगेट है 225 का। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हुई बैठक में ये साफ हो गया है कि 2025 के लिए एनडीए की टीम तैयार है, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की LJP,
जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम शामिल है। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक में नीतीश कुमार ने एनडीए के नेताओं को 225 सीट का टारगेट दिया है। अब इसको समझने के लिए पिछले चुनाव के नतीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहले 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको बताते हैं। 2020 में किसको कितनी सीटें मिली इसकी अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास 74 सीटें, आरजेडी को 75 सीट, जेडीयू को 43 सीट, कांग्रेस को 19 सीट और हम को 4 सीट, सीपीआईएमएल को 12 सीट, वीआईपी को 4 सीट और सीपीआईएम को 2 सीट मिली और सीपीआई को 2 सीटें मिली हैं। मतलब ये कि 2020 में एनडीए को कुल मिलाकर 125 सीट मिली और इंडिया गठबंधन 110 सीट पर ही सिमट गया था। ये जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं ये महागठबंधन वर्सेस एनडीए अलायंस है। अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 2020 में बीजेपी को 19.46% वोट मिले थे, आरजेडी को 23.11% वोट मिले थे, जेडीयू को 15.39% वोट मिले, कांग्रेस के खाते में 9.48% वोट गई थी। गठबंधन वाइज अगर 2020 में वोट परसेंटेज की बात करें मतलब इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस तो एनडीए को 34.85% वोट मिला था और इंडिया अलायंस को 32.59% वोट मिले थे। अब ये समझिए कि 2020 में चिराग पासवान एनडीए में नहीं थे। अगर उस वक्त चिराग पासवान एनडीए में होते 2020 में एनडीए का वोट परसेंटेज जो है एनडीए का मिलाकर चिराग पासवान का अगर उसमें जुड़ जाता तो कुल मिलाकर 40.51% हो जाता। मतलब ये एनडीए का 34.85% और एलजेपी के 5.66% यानी कि 40.51% होता। अब जरा 2024 के रिजल्ट को भी जान लेते हैं। 2024 में किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट मिला तो आरजेडी को 22.14% वोट मिले, बीजेपी को 20.52% वोट मिले, कांग्रेस को 9.20% वोट मिले, जेडीयू को 18.52% वोट मिला, लेफ्ट को 5.17% वोट मिला, एलजेपी आरवी चिराग पासवान की पार्टी को 6.43% वोट मिले थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि 2024 में किस गठबंधन को कितना वोट मिला। दो गठबंधन बिहार में थे इंडिया और एनडीए, तो इंडिया के अगर हम बात करें तो 36.51% वोट इंडिया अलायंस को मिला और एनडीए को 45.47% वोट मिले थे। मतलब ये कि 2024 में इंडिया एनडीए के मुकाबले ज्यादा रहा, एनडीए को इंडिया से 8.96% अधिक वोट मिले थे। ऐसे में अगर ये सारी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ती हैं तो इसकी स्थिति मजबूत हो सकती है और यही वजह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए के नेताओं को 225 सीट का टारगेट दे दिया है और इसमें सीएम नीतीश कुमार ने कई सारे मंत्र भी बताए हैं। कार्यकर्ताओं को जमीन स्तर पर काम करने को कहा गया है, सरकार की जो काम है जनता तक पहुंचाने की बात कही गई है। बढ़ते आगे और अब बात अगली खबर ही करेंगे। एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने कुछ नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं इन्हीं लोगों के चलते दो बार आरजेडी में गया था, दो बार आरजेडी के साथ जाकर मैंने गलती की लेकिन अब नहीं करूंगा, मैं बीजेपी के साथ ही रहूंगा। आप रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। किसके कहने पर नीतीश आरजेडी के साथ गए थे, किन नेताओं की ओर नीतीश ने किया इशारा। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर हुई एनडीए की बैठक के बाद ये सवाल बिहार के सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर एनडीए की बैठक हुई। बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता शामिल थे। नीतीश कुमार के अगल बगल में विजेंद्र यादव, ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण सिंह, राधा मोहन सिंह, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल और संजय झा समेत कई वरिष्ठ नेता बैठे थे। तभी सीएम नीतीश कुमार ने कुछ नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं इन्हीं लोगों के चलते दो बार आरजेडी में गया, दो बार आरजेडी के साथ जाकर मैंने गलती की लेकिन अब नहीं, मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि आखिर वो कौन कौन नेता हैं जिनके कहने पर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए। वैसे जो जानकार सत्ता के गलियारे में नजर रखते हैं वो तो समझ गए होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने आज भी नाम नहीं खोला पर राज तो बता ही दिया।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब किसके कहने पर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए ये तो वही जानते हैं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि नीतीश कुमार कब कब बीजेपी से अलग हुए और कब कब वापस लौटे। नीतीश कुमार का 1995 से ही बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है। बीजेपी से मिलकर ही नीतीश कुमार ने लालू परिवार को सत्ता से बाहर किया था और लगातार 2005 से 2010 के चुनाव में बम्पर तरीके से जीत भी हासिल की थी। लेकिन 2013 आते आते नीतीश कुमार तब एनडीए से अलग हो गए जब नरेंद्र मोदी का बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना दिया गया। 2014 का चुनाव नीतीश कुमार ने अकेले लड़ा, लेकिन मात्र एक सीट पर उनको जीत मिली और इसके बाद नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और एक बार फिर से बिहार की सत्ता में वापसी कर ली। लेकिन लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार का ये संबंध ज्यादा समय तक चल नहीं पाया। लालू परिवार पर लगातार लगते भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से नीतीश कुमार 2017 में महागठबंधन को छोड़कर एक बार फिर से एनडीए में चले गए और 2020 का चुनाव एनडीए के बैनर तले ही लड़े और सरकार बना ली। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी अनुमान के मुताबिक सीटें नहीं ला पाई और बीजेपी जेडीयू में खटपट होने लगी। फिर साल 2022 में नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर एक बार फिर से महागठबंधन के साथ चले गए और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने लगे। लेकिन जिस तरीके से एनडीए अलायंस में उनकी अनदेखी हुई उससे नीतीश कुमार नाराज हो गए। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में वापस आ गए और एनडीए को लोकसभा चुनाव में 40 में से 30 सीटों पर जीत मिली। अब नीतीश कुमार भी मजबूत हैं और बीजेपी के साथ उनके रिश्ते भी बेहतर हो चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि एनडीए के तहत 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात